Hello, welcome in this video. Today we are going to learn some more words with floss rule. Floss rule क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि floss rule में जब कुछ consonant ऐसे हैं जिससे end होने वाले words अगर आते हैं तो वो letter double रहते हैं और double letter को हम single time ही पढ़ते हैं और वो कौन कौन से consonant हैं वो हैं F, L, S और Z. ये F, L, S और Z से end होने वाले जो words होते हैं उसमें ये F, L, S और Z जब double time रहते हैं उस समय हमें उसे एक ही बार पढ़ना है. For example, cell. तो हम इसे cell नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे cell. Okay, यही floss rule है. तो अभी हमने लास्ट जो लेसन था उसके अंदर हमने आई डबल एल के वर्ड्स पढ़े थे, अब हम ई डबल एल के वर्ड्स पढ़ेंगे. ई का साउंड होता है, ये मैंने आपको ई लेटर के साउंड वाले वीडियोस में बताया है. ई का साउंड ए होता है, उसको याद रखने के लिए एलिफेंट एंड एग आपको याद रखना है. अब हम ई डबल एल वाले वर्ड्स पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दीज वर्ड्स. फर्स्ट सेल, डेल, फेल, बेल, हेल, जेल, सेल, टेल, वेल, येल. यहाँ मैंने सेल को दो बार और लिखा है क्योंकि सेल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. एक ही वर्ड सी ई डबल एल सेल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. और सी ई डबल एल सेल पढ़ा जाता है और एस ई डबल एल भी सेल ही पढ़ा जाता है. दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है. अब हम इसको अलग करके पढ़ना सीखते हैं. स एल सेल, ड एल डेल, फ एल फेल, ब एल बेल, ह एल हेल, ज एल जेल, S L sell, T L tell, W L well, Y L yell, or again sell, S L and sell, S L sell. ओके और एट द टाइम ऑफ राइटिंग, जैसे कि मैं सारे वीडियोस में आपको बताती हूँ, एट द टाइम ऑफ राइटिंग यू हैव टू सर्कल द सेट ऑफ लेटर जो हमारा आज का सेट ऑफ लेटर है. L L L L L L L L. तो आपने देखा होगा कि अगर आपको कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स क्लियर हैं, ये सारे कॉन्सोनेंट के साउंड क्लियर हैं, तो आपको सिर्फ लास्ट वाला जो सेट ऑफ लेटर है उसी का साउंड याद करना है, उसी के साउंड की प्रैक्टिस करनी है और आपको बहुत सारे वर्ड्स एक साथ में याद हो जाते हैं, एक साथ में आप उसको रीड करना सीख जाते हो. तो अब हम इसका मीनिंग देखते हैं, सारे वर्ड्स के अब हम मीनिंग देखते हैं. सेल, सेल का मतलब बैटरी होता है. बैटरी जो हम लोग फोन में लगाते हैं, बैटरी जो हम टॉर्च में लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल. और जो सेल फोन होता है, जैसे एक फोन को, मोबाइल फोन को कई लोग सेल फोन भी बोलते हैं. उसका रीज़न क्या होता है कि उसके अंदर बैटरी लगी होती है, इसीलिए उसको सेल फोन बोला जाता है. क्योंकि पहले के ज़माने में जो फ़ोन आते थे उसके लिए एक वायर कनेक्ट करना पड़ता था, तो वो वायर वाला फ़ोन है और ये वायरलेस फ़ोन है जो सेल से चलता है, मतलब बैटरी से चलता है, इसलिए इसको सेल फोन बोलते हैं. नाउ सेल का और दूसरा जो मीनिंग होता है वो अभी ही बता देती हूँ मैं. सेल मीन्स स्मॉल रूम फॉर प्रिजनर्स, मतलब जो कैदी होते हैं उनको रखा जाता है, उसके लिए सेल बोलते हैं. फिर कोठरी होती है, जो छोटा रूम होता है उसको सेल बोलते हैं. तो और सेल को और भी अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है रूम के पर्पस से. छोटा रूम, छोटा कमरे के जगह पर सेल का इस्तेमाल किया जाता है, सेल बोला जाता है. सेल मीन्स स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग, जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, जिसको कोशिका हिंदी में बोला जाता है, मतलब जो स्मॉलेस्ट हमारे बॉडी का जो यूनिट है उसको हम सेल बोलते हैं. उसकी स्पेलिंग भी सी ई डबल एल होती है, सेल. ये बायोलॉजी में स्पेशली बच्चों को पढ़ने के लिए आते हैं. नाउ डेल, डी ई डबल एल डेल मीन्स स्मॉल वैली. फेल, फेल मतलब गिर जाना, आई फेल डाउन. ओके, तो मैं गिर गई. बेल, बेल मीन्स घंटी होती है,
जो सबको पता होगा घंटी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पूजा के टाइम में, या फिर बजाते हैं मंदिर में घंटी, या फिर बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाती है वो वाली घंटी। हेल, हेल का मतलब नरक। कई बार ये आपने इंग्लिश में सुना होगा, बोलते हो गो टू हेल, भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ मतलब ये नरक, नरक के लिए इस्तेमाल, इंग्लिश में इसको नरक के लिए यूज़ किया जाता है, गो टू हेल। वो एक टाइप का फ्रेज है गो टू हेल, और इसका मतलब असली में नरक होता है। जेल, जेल मीन्स अ सेमी लिक्विड। हम जो जेली यूज़ करते हैं ना, जेली, उसी उसको जेल बोलते हैं, ठीक है। जेली चॉकलेट्स या फिर खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर बहुत अलग अलग जगह पर जेली का इस्तेमाल होता है। पर जो जेल होता है उसका मतलब होता है उस टाइप का जो कंसिस्टेंसी वाला लिक्विड होता है, ना वो पूरा लिक्विड होता है ना वो सॉलिड होता है, उसके बीच का जो फॉर्मेट होता है उसको हम जेल बोलते हैं। ये जैसे हम बोल सकते हैं कि ये जेल फॉर्म में, जैसे एलोवेरा जेल, ठीक है। नाउ सेल, सेल मीन्स बेचना, कुछ हम जब बेचते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड सेल। टेल मतलब कहना, जब टेल मी द स्टोरी, तो मुझे स्टोरी बताओ। वेल, वेल मीन्स अच्छा। हम पूछते हैं आर यू वेल, वेल बीइंग, आपके अच्छा होने की हम कामना करते हैं। होप यू आर वेल मतलब आप अच्छे होगे। वेल डन मतलब अच्छा किया। ना येल, येल मतलब चिल्लाना, जोर से शाउटिंग करना, उसको हम येल बोलते हैं। ओके, तो आई होप कि ये सारे वर्ड्स के स्पेलिंग आपको क्लियर होंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन क्लियर होंगे, इसके डिकोडिंग मैंने यहाँ पर लिखी है। सेल, डेल, फेल, बेल, हेल, जेल, सेल, टेल, वेल एंड येल, ताकि आपको क्लियर हो जाए प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, आप इजीली इसको प्रोनाउंस कर सकें। और ये खासकर डिकोडिंग मैं आपको समझने के लिए लिखती हूँ, ताकि आप अगर हिंदी जानते हो या हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हो तो आप इसको इजीली प्रोनाउंस कर सको। अपनी भाषा के साथ में जब आप ये वर्ड्स को देखते हो तो आपके लिए एक फैमिली टाइप की फीलिंग आती है, दैट इज़ वाई मैंने ये सारे वर्ड्स डिकोडिंग में हिंदी में लिखे हैं। नाउ अगर आपको प्रॉब्लम होती है, अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहे हो, तो आप वीडियो को फिर से देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आप जब बार बार सुनेंगे इसके प्रोनाउंसिएशन को, साउंड को, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसको रीड कैसे करते हैं, इसको बोलते कैसे हैं। और ट्राई टू यूज़ दीज वर्ड्स इन योर डेली लैंग्वेज। जैसा पहले भी मैंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है आपके फुल सेंटेंस आप इंग्लिश का यूज़ करो, आप वर्ड्स यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। वर्ड यूज़ करने से इंग्लिश लैंग्वेज पर आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। सो डू प्रैक्टिस फॉर इट, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।